कॉन्फिडेंस, ठीक। हेलो, चल रही है, चल रही है। ठीक। आपको कुछ पॉइंट है, पहले मैं आपको सारे पॉइंट्स बता देती हूँ, फिर एक एक करके ना हम उन सारे पॉइंट्स को डील करेंगे। जैसे सबसे पहला है कि आपका बॉडी लैंग्वेज क्या हो, दूसरा आपका लैंग्वेज क्या हो इंटरव्यू के अंदर, तीसरा पॉइंट है कि आप जो आपके टॉपिक्स हैं वो उस पे आपका कितना तैयारी है, और दूसरा कि आपको कितना हम्बल रहना है, किन किन चीजों का इंटरव्यू के दौरान आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले हम लोग बॉडी लैंग्वेज के ऊपर बात करते हैं। पहला, कुछ चीजों का आप ध्यान रखिएगा। ये चीजें आपको जितने आप इंटरव्यू की तैयारी करते हैं ना, सभी लोग बोलते हैं, बट होता यही कि जब इंटरव्यू रूम में हम लोग जाते हैं तो हम लोग इतना नर्वस हो जाते हैं कि हम मोस्टली भूल जाते हैं कि हम लोग को ये चीजें फॉलो करनी है। जैसे कि जब आप इंटरव्यू रूम में आए तो आप, मतलब आपको मालूम है अंदर जाना है तो भी पहले उनसे परमिशन लीजिए और जाके चेयर के बगल में खड़े हो जाइए। चेयर पे जब तक वो आपको बोले नहीं, आपको बैठना नहीं है। जब वो आपको बोले तो कुर्सी को कम ना के बराबर आवाज करते हुए पीछे खिसकाइएगा और फिर आप चेयर पे बैठिएगा, और बैठने के साथ में उनको थैंक यू दीजिएगा। और जब आप थैंक यू दें तो एक बार से, मतलब इंटरव्यू पैनल में जितने भी लोग हैं, सबसे पहले चेयरमैन सर की तरफ देख करके स्माइल देना है। उसके बाद में इंटरव्यू पैनल में जितने भी लोग हैं, आप उन सभी लोगों को एक बार देख करके मतलब स्माइल करेंगे, ताकि लगे कि आप हर एक व्यक्ति को अटेंड कर रहे हैं, ठीक है। ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। दूसरा, कि अगर कोई बोर्ड मेंबर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो जो पूछ रहे हैं उनसे आई कॉन्टेक्ट बनाए, और आंसर देते टाइम पहला आई कॉन्टेक्ट उनके साथ में बनाए जिसको आप आंसर दे रहे हैं। उसके बाद में हर एक व्यक्ति की तरफ आप नजर घुमा करके उनको अपना आंसर समझाने की कोशिश करें। जितना हो सके हाथ के, मुंह के, आंखों के मूवमेंट मिनिमम रखें। बहुत ज्यादा मतलब आपका बॉडी मूव नहीं करना चाहिए, और पैर एक के ऊपर एक नहीं रखना, एकदम बैलेंस्ड तरीके से बैठना है, और मतलब एकदम सधी हुई आपकी बॉडी लैंग्वेज होनी चाहिए। जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं सबसे पहले उनको देखिए, उनको आंसर देना शुरू कीजिए देखते हुए, बाकी एक ग्लैंस में बाकी जितने भी लोग हैं उन लोगों को आप देख लीजिए, और उनको देख करके आप अपना आंसर देने की कोशिश कीजिए। इससे एक तो आपको ये आइडिया लगेगा कि बाकी मेंबर आपके आंसर पे क्या रिस्पॉन्स दे रहे हैं, कि या तो कोई गर्दन हिला रहा होगा या फिर उनका एक्सप्रेशन से आपको आइडिया लग जाएगा कि आप राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं। अगला ये कि जब भी अगर वो आपको बीच में टोक रहे हैं, आपके बोलते समय आप कुछ बोल रहे हैं और वो बीच में अगर टोक रहे हैं, तो ऑन द स्पॉट आपको चुप हो जाना है। आपको 1% भी कंटिन्यू नहीं करना है उस चीज को, कि मतलब वो बीच में बोले और आप अपना सोच रहे हैं कि मेरा लाइन फिनिश कर दूं, उसी मोमेंट पे आपको चुप हो जाना है। दूसरा, कि अगर आपको वो जो आंसर वो दे रहे हैं आप उससे टोटली कन्विंस नहीं है, तो भी आपको मतलब सर को मतलब ये नहीं बोलना है कि सर आप गलत हैं। जैसे कि मेरा जब इंटरव्यू हुआ था तो मुझसे उन्होंने क्वेश्चन पूछा था कि एकात्म मानवतावाद किसका सिद्धांत है, तो ये M.N. रॉय का सिद्धांत था। मैंने राइट आंसर दिया था, बट जो बोर्ड मेंबर थे उन्होंने मुझे बोला था कि ये अरविंद घोष का सिद्धांत है, ठीक है। मुझे मालूम था कि मेरा आंसर करेक्ट है, तो भी मैंने सर को बोला था कि सर जितना मुझे ध्यान है आंसर यही है, बट आपको ज्यादा अनुभव है तो डेफिनेटली आप कह रहे हैं तो मैं एक बार रीचेक करूंगी। आपका अप्रोच यही होना चाहिए कि आपको मालूम भी है कि आप करेक्ट है, तो भी आपको कभी भी डायरेक्टली उनको गलत प्रूफ करने की कोशिश नहीं करनी है, क्योंकि वो अनुभव में हमसे बहुत ज्यादा बड़े हैं, नॉलेज में हमसे बहुत ज्यादा बड़े। तो आप जितने ग्राउंडेड एंड हम्बल रह के उनको आंसर देंगे, उतना ज्यादा उनके मन में आपके लिए पॉजिटिव थिंकिंग आएगी। दूसरा, चाहे आपका आंसर कितना भी फनी हो, इंटरेस्टिंग हो, आपको बहुत ज्यादा नहीं हंसना है उनके आगे। यहाँ तक कि अगर बोर्ड मेंबर भी कोई ऐसी बात कहते हैं जो हंसने वाली है, तो आपके फेस पे बहुत ज्यादा तेज हंसी नहीं आनी चाहिए। बेसिक स्माइल आप मेंटेन कीजिए, बहुत ग्रेसफुल रहिए, हाथ नहीं हिलाने, चेयर नहीं हिलानी, एकदम पीठ टिका करके ढंग से बैठिए। और अगर वो हंसने वाली बात भी कह दे तो आपके चेहरे पे उतनी स्माइल आनी चाहिए जितनी की जरूरत है। बहुत ज्यादा खिलखिला के नहीं हंसना है उनके आगे। दूसरा, आपका जब इंटरव्यू खत्म हो तो ये ध्यान रखिएगा कि अपनी कुर्सी वापस उसी जगह लगा करके पीछे घूमिए, और गेट तक जब आप जा रहे हैं तो उनको पीठ दिखा के नहीं जाना है, आप उनकी तरफ देखते हुए जाइए, उनको थैंक यू बोलिए और हैव अ गुड डे सर बोलिए। जैसे मैंने जब मैं निकली थी तो मैंने सर लोग को सभी को स्माइल देते हुए बोला था, थैंक यू वेरी मच सर, हैव अ गुड डे। तो सब लोग का रिस्पॉन्स बहुत पॉजिटिव मिला था, और मुझे मार्क्स भी देखिए 120 में से 100 आए हैं।
तो उसमें मेरी बॉडी लैंग्वेज ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, क्योंकि मैंने किसी भी एक भी बोर्ड मेंबर को नेग्लेक्ट नहीं किया, जितनी चीजें फॉलो करनी चाहिए थी एक एक की, लास्ट में इवन उनको ग्रीट करके मैं बाहर आई। सब लोग आपको ये बातें बोलेंगे फिर भी आप भूल जाएंगे, इसलिए कोशिश कीजिए कि आपसे ये गलतियां ना हो। एक पेपर पर लिख लीजिए कि ये सारे काम आपको करने हैं। दूसरा, आप अपने आप से क्वेश्चन, जब क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं तो शीशे के आगे खड़े होकर एक दो क्वेश्चन के आंसर खुद दे करके देखिए, उससे आपको पता चलेगा आपके फेशियल एक्सप्रेशन कैसे आ रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि बहुत एरोगेंट टाइप आप लग रहे हैं या एक्स्ट्रा स्माइल करते हुए लग रहे हैं। ये बहुत बेसिक छोटी सी चीज है, मैंने कम से कम 10 दिन इसका प्रैक्टिस किया था ताकि बहुत सधा हुआ लैंग्वेज आए। तो ये सारी बातें आपको बॉडी लैंग्वेज में ध्यान रखनी है। अगर आपका बॉडी लैंग्वेज पे कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कर सकते हैं। ये बेसिक चीजें हैं जो आपको बॉडी लैंग्वेज पे ध्यान देनी है। अगर आप लोग कुछ पूछना चाहते हैं बॉडी लैंग्वेज से रिलेटेड कोई क्वेश्चन तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो हम लोग आगे फिर आपकी लैंग्वेज क्या हो उसके ऊपर बात करते हैं। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप हैंड रेज कर सकते हैं, उनका माइक अनम्यूट कर देंगे फिर, या चैट के माध्यम से भी पूछ सकते हैं आप। चलिए, तो मैं ये मान के चलती हूँ बॉडी लैंग्वेज के क्वेश्चन मतलब सारे पॉइंट आपको समझ में आ गए हैं। जो चीजें मैंने बोली है इनको भूलिएगा नहीं, क्योंकि मुझे मालूम है कि ये चीजें कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। आप में कितनी भी नॉलेज हो, कितना भी आपका नॉलेज बेस स्ट्रांग हो, अगर आपका बॉडी लैंग्वेज खराब है, आप वहां पर ऐसी कोई गलती करते हैं, क्योंकि देखिए वो लोग बहुत ज्यादा सीनियर हैं हम लोगों से, अनुभव में इतने ज्यादा हैं कि उनको हमारी छोटा सा एक्शन भी खराब लग सकता है। तो जितना हम्बल आप रह सकते हैं उनके आगे उतना हम्बल रहिएगा। अब अगला पॉइंट है हम लोग का लैंग्वेज। आपकी लैंग्वेज बहुत ज्यादा आर्टिफिशियल नहीं होनी चाहिए, ना तो डेली कन्वर्सेशन वाली आपकी भाषा हो। और देखिए अभी इंटरव्यू में टाइम है, आपके पास सफिशियंट टाइम है अपनी भाषा को ठीक करने का अगर आपको लगता है तो। पहला तो ये कि डेली रूटीन के शब्दों को आप बाहर निकाल करके, नहीं नहीं सर ऐसा तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं, इस टाइप के शब्द नहीं आने चाहिए आपकी भाषा में। कोशिश कीजिए कि स्टैंडर्ड शब्द, अति नाटकीय भाषा नहीं होनी चाहिए, जैसे बहुत आर्टिफिशियल लैंग्वेज नहीं होनी चाहिए कि हिंदी में आप सर अभिभूत हो गया मैं, ये सब नहीं। भाषा ऐसी हो जो उनसे कनेक्ट कर सके, जैसे वो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जैसे सर ने मेरे से एक क्वेश्चन पूछा कि पॉलिटिक्स में नेहरूवियन मीन्स से आप क्या समझती हैं, मुझे नहीं आता था, तो मैंने उनको सीधे जवाब दिया कि सर मुझे आइडिया नहीं है, बट अगर आप मुझे परमिशन देते हैं तो आई कैन ट्राई। आप इसमें देख रहे हैं मेरा मीडियम हिंदी था, बट मैंने इंग्लिश के जो कॉमन वर्ड है अपनी बात कन्वे करने के उनको यूज किया, उस टाइम मुझे जो ठीक लगा मैंने किया, इसमें कहीं भी कुछ गलत नहीं है। आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि जब भी आप अपना इंटरव्यू दे रहे हैं तो एक तो डेली के शब्द नहीं, डेली भाषा के, और एक बहुत आर्टिफिशियल शब्द नहीं। अपनी भाषा को कोशिश कीजिए, एक जो सधी हुई भाषा, मोस्टली आपने पत्रकार लोगों को या इन लोगों को बोलते हुए देखा, और भाषा पे काम करना बहुत बड़ी बात नहीं है। जो टर्म्स वगैरह हैं उनका आपको ध्यान रखना है कि वो एग्जैक्ट जो है वही बोलने हैं। आपका उच्चारण ठीक होना चाहिए, जैसे व को भ नहीं बोलना है, ब को व नहीं बोलना है, मतलब ये बहुत छोटी चीजें हैं लैंग्वेज का। मैंने इसलिए बोला क्योंकि लैंग्वेज आप कुछ भी कह रहे हैं वो आप उस भाषा में कह रहे हैं। अगर आपके विचार कितने भी अच्छे हैं जो मन में चल रहे हैं, बट उनके पास जाने तक वो शब्द नहीं मिल पा रहे हैं आपको, तो शायद आपको उतने अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे। तो अपनी भाषा पे थोड़ा काम कीजिए, थोड़ा देखिए कि अच्छे पत्रकार या अच्छे न्यूज आर्टिकल जो छपते हैं उसके अंदर कैसा होता है। और भाषा में मतलब ऐसा नहीं है कि आप हिंदी मीडियम के हैं तो आप इंग्लिश के वर्ड यूज कर सकते हैं, आप एकदम अच्छे से इंग्लिश के वर्ड यूज कीजिए, बट थ्रू आउट बहुत ज्यादा इंग्लिश मत बोलिए अगर आपका हिंदी मीडियम है तो लैंग्वेज में आप बस ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद में अपने बैकग्राउंड पे काम करना है। आपको लैंग्वेज पे कोई क्वेश्चन पूछना है वैसे मोस्ट प्रोबेबली इस टॉपिक पे? हाँ जी बोलिए, कनिष्क जी बताइए। अपने माइक और अनम्यूट कर लीजिए। जी जी बिल्कुल, इंग्लिश लैंग्वेज वाले बायलिंगुअल बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा एक फ्रेंड था, उसका मीडियम इंग्लिश था, और जब उसका इंटरव्यू हो रहा था तो बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो डेली में हिंदी में हम लोग बात करते हैं। और देखिए
मैंने अब तक 3 स्टेट के इंटरव्यूज दिए हैं और मैं इस चीज के लिए आपको गारंटी से कह सकती हूँ कि बिहार स्टेट के इंटरव्यू बोर्ड जैसे बोर्ड आपको किसी स्टेट में नहीं मिलेंगे। वो लोग बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल हैं और बहुत आपकी क्वालिटी पे आपको जज करते हैं, तो कोई इश्यू नहीं अगर आप हिंदी के लाइंस बोलते हैं, वो आपको इस बेसिस पे बिल्कुल जज नहीं करेंगे क्योंकि वो भी जानते हैं कि आप हिंदी बेल्ट से आए हुए हैं, तो दैट वॉन्ट बी अ बिग प्रॉब्लम फॉर यू। एनी अदर क्वेश्चन? You're welcome. चलिए अब अगर कोई नए क्वेश्चन है तो हम लोग अमित आगे कंटिन्यू कर रहे हैं हम। ठीक है, अगला है कि आपका बैकग्राउंड। मेरे पूरे इंटरव्यू में मुझसे सबसे ज्यादा क्वेश्चन मेरे बैकग्राउंड पे पूछे गए थे। बैकग्राउंड स्पेशली मेरा ग्रेजुएशन का टाइम का जो सब्जेक्ट्स थे, ये डिपेंड करता है कि आपका बोर्ड कैसा है, बट फिर भी देखिए आपका बैकग्राउंड उनको एक लंप सम आइडिया देता है कि आप कैसे स्टूडेंट रहे हैं, कितने गंभीर हैं। अगर आपका बैकग्राउंड में मार्क्स उतने अच्छे नहीं है, परसेंटेज उतने अच्छे नहीं है, ये सब मैटर आज नहीं करता सर। देख, पहली बात तो ये कि उनके पास आपका डिटेल कुछ भी नहीं जाने वाला है, अब तो सिर्फ एक टोकन नंबर जाता है, वो आपसे ऑन द मोमेंट जो पूछते हैं उसी से वो आपसे क्रॉस क्वेश्चन करते हैं, तो ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट है। दूसरा ये कि आपके ग्रेजुएशन में क्या सब्जेक्ट है, आपने पीजी किया है, आपने पीएचडी किया है, उसको इतना सॉलिड तैयार करके जाइए क्योंकि वो लोग अच्छे से जानते हैं कि ऑप्शनल में आप फोड़ के नंबर लाए हैं तभी आपको इंटरव्यू कॉल आया है, तो उनके क्वेश्चन आपके ऑप्शनल से कंपैरेटिवली कम रहते हैं, आपके बैकग्राउंड से और करंट अफेयर्स से उनके क्वेश्चन बहुत ज्यादा रहते हैं, तो आप अपना बैकग्राउंड बहुत अच्छे से तैयार करके जाइएगा। बैकग्राउंड में जैसे आप अपना ग्रेजुएशन में क्या था, अपने पीजी में क्या किया, अगर आप पीएचडी कर रहे हैं तो उसमें आपने क्या किया, वो आपको कैसे हेल्प कर सकता है एडमिनिस्ट्रेशन में अगर आप जाते हैं, तो ये छोटी मोटी चीजें कनेक्ट करती हुई याद करिएगा। और अपना जैसे आपके ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट हैं उनमें से कुछ पॉपुलर सब्जेक्ट हैं जैसे हिस्ट्री है या पॉलिटिकल साइंस है, ऐसे सब्जेक्ट जो बहुत पॉपुलर हैं, इस टाइप के सब्जेक्ट अगर आपके हैं तो उनको तो बहुत ही अच्छे से तैयार करके जाएगा क्योंकि मोस्टली इंटरव्यू बोर्ड के मेंबर्स इन सब्जेक्ट्स के साथ बहुत रूबरू होते हैं। मेरा ऑप्शनल जो था वो हिस्ट्री था, बट मेरा पॉलिटिकल साइंस मेरा ग्रेजुएशन का था और मेरे से 80% से ज्यादा क्वेश्चन उसी पे पूछे गए थे, बिकॉज मैंने अदर स्टेट में पॉलिटिकल साइंस एज अ ऑप्शनल सब्जेक्ट लिया था, तो मुझे उससे हेल्प हुआ कि मैं सारे मैक्सिमम आंसर्स बहुत अच्छे दे पाई, तो एक मुझे ये हेल्प मिल गई उससे। तो आप लोग अपना बैकग्राउंड अच्छे से तैयार करके जाएगा, इट डिपेंड्स कि कौन सा बोर्ड मिलता है, बट आपके बैकग्राउंड से क्वेश्चन पूछने के चांसेस हमेशा बने रहते हैं। अगर आपके करियर में कोई गैप है कि बीच में आप घर रहे हैं तो उसका एक्सप्लेनेशन अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, ठीक है, और बहुत लॉजिकल आंसर ढूंढिएगा, बहुत मतलब सेवा भावार्थ और ये सारे इस टाइप के, मैं बीमार हो गया, मेरी पर्सनल प्रॉब्लम थी, इस टाइप का नहीं, मतलब कोई लॉजिकल आंसर आपको ढूंढ करके रखना है अपने इस गैप के लिए, ठीक है। तो बैकग्राउंड के लिए मैं आपको इतना ही कहूंगी। मेजर जो मैं आपको अपना सजेशंस देना चाहती हूँ वो जो टॉपिक्स पे आपको जो चीजें बोलनी है, बैकग्राउंड पे तो मुझे नहीं लगता कोई क्वेश्चन होगा, अगर आप पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। वैसे हम लोग इंटरव्यू से पहले, जी ठीक है, देखिए साइंस के सब्जेक्ट से बहुत ज्यादा क्वेश्चन ही होते हैं, बट फिर भी आप प्रिपेयर करके जाइएगा, ठीक है, क्योंकि देखिए वहां जो बोर्ड में लोग बैठे रहते हैं ना, मोस्टली उनके अंदर से अगर कोई साइंस वाले सर मिल गए तब तो मतलब वो पूछ ही लेंगे, वरना मोस्टली आपको आर्ट्स बैकग्राउंड वाले सर लोग मिलेंगे, स्पेशली हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस ज्योग्राफी इन टॉपिक्स पे उनका फोकस बहुत ज्यादा रहता है, ये सब्जेक्ट्स उनके लाइमलाइट में रहते हैं तो इनसे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा राइज करते हैं। साइंस में देखिए चांसेस बहुत कम है, उनको लगेगा तो वो थोड़ा बहुत आपसे कुछ पूछ लेंगे, कोई नई खोज हुई है उस क्षेत्र में, अदरवाइज फिर आपके ऑप्शनल पे करंट टॉपिक्स के ऊपर वो चीज चली जाएगी। हाँ अगर जी जी यू वेलकम। और दूसरा कि अगर आप इंजीनियरिंग और मेडिकल बैकग्राउंड से हैं तो आपसे ये क्रॉस क्वेश्चन जरूर ही बनेगा कि आप वो छोड़ के यहाँ क्यों आने वाले हैं। इंजीनियरिंग वालों से तो उनके फील्ड के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है, बट अगर आप इस फील्ड में आ रहे हैं तो आप क्यों आ रहे हैं, क्या, तो एक बैलेंस्ड आंसर दीजिएगा, मतलब ये नहीं कि मेरे मन में बचपन से सेवा करने का भाव था, सेवा इज पार्ट ऑफ दिस जॉब, एक बेटर जॉब प्रोफाइल है, आपको रिस्पेक्ट भी मिलता है, आपको सेवा करने के लिए भी मिलता है, आपके पास मतलब एक आप
स्थायी आपके पास जो सैलरी आ रही है वो मतलब हैंडसम सैलरी होती है, तो एटलीस्ट आप अपने घर को एक अच्छे तरीके से चला सकते हैं, एक ओवरऑल पैकेज टाइप मिलता है। तो भाषा इस तरीके से सधी हुई, आप अपने हिसाब से वर्ड सेट करके ऐसा कुछ आंसर दीजिएगा। बहुत मतलब आर्टिफिशियल नहीं होना चाहिए कि उनको लगे कि मतलब सेवा करने के लिए आ रहे हैं। सेवा के साथ में डेफिनेटली हम लोग एनजीओ में काम नहीं करते, अगर सेवा करना है तो उनको एनजीओ में जाना चाहिए, बट हम लोग सिविल सर्विसेज में आ रहे हैं तो क्योंकि उनका, मेरे एक फ्रेंड ने जब बोला मैं सेवा करना चाहता हूँ, तो उन्होंने बोला आपको कमर्शियल टैक्स में क्या सेवा करेंगे, ठीक जनरल एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस में तो एक्सपेक्टेड है। तो अपना आंसर एक पूरा एकदम पैकेज में तैयार करके रखिएगा कि इस टाइप में, वैसे हम इंटरव्यू से के जब स्टार्ट होने वाले होंगे उससे पहले आप लोग क्वेश्चंस तैयार करके रखिएगा, उन क्वेश्चंस पे हम लोग एक क्वेश्चन आंसर सेशन कर लेंगे, ठीक है ना अमित? हाँ कर लेंगे। ठीक चलिए, अब आपको जो मैं बताने वाली हूँ वो है टॉपिक्स पे तैयारी कैसे करनी है। करंट अफेयर्स के टॉपिक पे आपको कुछ चीजें बहुत ही ज्यादा, अगर आपके पास पेपर पेन है तो लेके बैठिए, जो मैं चीजें बता रही हूँ उसको घंटा मार लीजिएगा आप लोग। सबसे पहली बात ये कि अगर वो आपसे पूछते हैं कि मान लीजिए उन्होंने आपसे पूछा नोटा क्या है, ठीक है, या उन्होंने पूछा कि जनसंख्या नियंत्रण बिल क्या है, तो वो आपसे आपका ओपिनियन नहीं पूछ रहे हैं। जब तक वो आपको बोले नहीं कि इसके बारे में आप क्या समझते हैं, तब तक आपको अपना ये नहीं बताना सर मैं ये समझता हूँ कि ऐसा है, जनसंख्या बहुत ज्यादा बढ़ रही है, ऐसा हो रहा है, नहीं। आप याद रखिएगा कि आपको फैक्चुअल आंसर देना अगर वो आपसे उसकी इन्फॉर्मेशन मांग रहे हैं। जैसे अगर उन्होंने आपसे बोला कि अभी जो कृषि कानून का इश्यू चल रहा है, वो बोलते हैं कि कृषि कानून जो है वो क्या है, उनको लेके क्या विवाद है, तो पहला जो पॉइंट है कृषि कानून क्या है वो आपको फैक्चुअल आंसर देना है उनको, बिल्कुल अपना ओपिनियन नहीं देना। उनको लेके विवाद क्या है ये भी फैक्चुअल होना चाहिए। फिर वो जब आपसे पूछते हैं कि आपका क्या ओपिनियन है इसके बारे में, तब आपको अपना ओपिनियन देना है। उससे पहले जब तक वो आपसे ये पूछ रहे हैं कि ये क्या है, इस ये मतलब इसके बारे में बताइए, या इसके बारे में आपने सुना है, तो आपने सुना है तो फैक्चुअल बताना है। मतलब कहीं भी उसके अंदर ये नहीं बिल्कुल भी करना है कि आप अपना पूछने के साथ ही आप अपना ओपिनियन देने लग जाए, सर मुझे ऐसा लगता है कि किसानों के साथ ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, नहीं। आपका सटीक आंसर होना चाहिए जो डेफिनेशन है। जैसे अगर मैं आपको कुछ टॉपिक मैंने तैयार किए हैं जो मैं आपको बताऊंगी, पेपर पेन अगर कुछ हो तो आप नोट कर लीजिए उनका, उन सबको। तो पहला तो ये कि वो आपसे इंफॉर्मेशन मांगते हैं फर्स्ट में, अगर वो पहले ही बार में आपको बोलते हैं कि इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, तभी आपको ओपिनियन देना है। दूसरा कि कोई भी टॉपिक आप इतना अच्छे से तैयार करके जाइएगा कि आपको उस टॉपिक का आंसर देते टाइम वो लोग घुमा फिरा करके भी कुछ पूछें तो आपको उसका आइडिया हो। अब कुछ टॉपिक्स मैं आपको बता देती हूँ जो आपको तैयार करने हैं। अगस्त में बिहार में पंचायत इलेक्शन होने वाले हैं, ठीक है, तो आपको पंचायत अगर आपका उससे पहले होता है या उसके जस्ट बाद के दो तीन महीने में होता है तो भी इससे क्वेश्चन अराइज होंगे, ठीक। तो आपको तैयारी करनी है, पहला कि पंचायत सिस्टम इंडिया में कब आया, कॉन्स्टिट्यूशन में उसके क्या प्रोविजंस हैं, मतलब एक होलिस्टिक अप्रोच रखना। ये नहीं कि मतलब आपने देखा कि इंटरव्यू बोर्ड से मुझे ये क्वेश्चन सुनने में आ रहे हैं कि वो लोग तो ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि इंटरव्यू का कोई ग्रुप ज्वाइन कर लिया उन्होंने, अब उन्होंने क्या देखा कि इंटरव्यू बोर्ड इसी टाइप के क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है, तो वो उतने क्वेश्चन चाहे उनको 200 क्वेश्चन आ गए, 250 आ गए, वो उतना तैयार करके चले जाते हैं कि इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन वो पूछ ही लेंगे। ऐसा कुछ नहीं है, डेली कुछ ना कुछ नया आ रहा है। इंटरव्यू बोर्ड का मन क्या है, वो आपसे क्या क्वेश्चन पूछेगा, इसके बारे में आप कोई गारंटी नहीं ले सकते हैं। इसलिए अपना इतना सॉलिड तैयारी करके जाइए ना कि 85 से कम मार्क्स आपको आए ही नहीं। मेंस में इतना भी अगर आप छूट गए होंगे ना तो आपका रैंकिंग वो बहुत ऊपर करा देगा इंटरव्यू के मार्क्स, ठीक। और ये आपके हाथ में है टोटल तैयारी करके जाना, ठीक, कि आप अपनी पर्सनैलिटी को कैसे बेटर करते हैं। तो पंचायत इलेक्शन आपको तैयार करने हैं, ठीक है, बिहार के। उसके अंदर पहला तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या है, दूसरा कि जो इंडिया के अंदर सबसे पहला पंचायत जो था वो कहाँ हुआ, कितने स्तरीय पंचायत है, किसने दिया, ये बेसिक क्वेश्चंस आपको तैयार करने। दूसरा बिहार का जो रीसेंट जो बिल है पंचायत वाला वो कब आया है, ठीक है, उसके अंदर कुछ जैसे रिजर्वेशन का प्रोविजन आपको याद रखना है कि किसके लिए कितने रिजर्वेशन का प्रोविजन है, तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा कि आपको क्या क्या योग्यता है, क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। मुखिया जैसे लड़कियां स्पेशली मुखिया पति के कंसेप्ट के बारे में आपका क्या विचार है,
ठीक, तो इस टाइप के क्वेश्चंस या लड़कों से पूछा जाए कि मुखिया पति वाला जो आपको लगता है कि पेट्रियार्की जो है अभी भी डोमिनेट कर रही है, लड़कियां अच्छा नहीं कर पा रही हैं, तो आपको ये सारे टॉपिक तैयार करने हैं। एक और चीज मैं आपको बोलूंगी, हो सकता मेरे विचारों से इतना सहमत ना हो, बट ये ध्यान रखिएगा कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज पे आपको नेगेटिव आंसर नहीं देना है। अगर आप उसके धुर विरोधी भी हैं तो भी आपको डिप्लोमेटिकली वहां से अपना आंसर देके बच के निकलना है। आप चाहे कृषि कानून हो, चाहे नोटा हो, चाहे 370 हटाया हो, किसी भी टॉपिक पे आपका अगर नेगेटिव हो तो भी, क्योंकि जब वो आप ये जज करना चाह रहे होते हैं कि क्या आप सिस्टम के अंदर रह के काम कर पाएंगे, इट मींस कि ऐसा तो नहीं कि गवर्नमेंट की पॉलिसी आती है कोई उससे आप चिड़े हुए तो आप सिस्टम के साथ कोऑपरेट नहीं करेंगे, क्यों ना हो। सीधे विरोध से बचना है। अगर वो आपसे ओपिनियन पूछ रहे तो आप ये दे सकते हैं, सर मुझे लगता है ये प्रोविजंस और होते या इस हिस्से को, मतलब ये जो लोग छूटे हुए हैं इनको और मिलाया जाता तो ज्यादा बेटर रहता। तो आपको कोशिश ये करनी है, एक थोड़ा डिप्लोमेटिक आंसर दीजिए, अननेसेसरी नेगेटिव आंसर से बचिएगा, चाहे वो स्टेट हो, चाहे सेंटर हो, किसी की भी पॉलिसी हो, क्योंकि आपको इसी सिस्टम के साथ में रह करके काम करना है। ठीक है, मतलब हो सकता है ये आपके ओपिनियन ऐसी ना हो, बट कोशिश कीजिएगा कि वहां आप थोड़ा पॉजिटिव रह करके आंसर दें। दूसरा, एक जो क्योंकि पंचायत इलेक्शन ईवीएम से हो रहे हैं तो आप ईवीएम के बारे में पढ़ लीजिएगा, ईवीएम को लेकर के क्या इश्यू चल रहा है, ईवीएम पे बार बार जो क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है उसके बारे में आपका क्या ओपिनियन है। दूसरा, कोविड के बारे में एकदम आप रट के जाइएगा, कोविड क्या है, कोविड कहाँ से आया, इसके अभी तक कितने वेरिएंट्स हैं, इसके जो क्या क्या प्रोटोकॉल आपको फॉलो करने चाहिए। दूसरा कि कितने इंडिया के कितने वैक्सीन अभी तक आ चुके हैं, किन किन वैक्सीन को WHO के द्वारा मान्यता प्राप्त हो चुकी है, ब्लैक फंगस क्या है, ग्रीन और ये इस टाइप से। ठीक है, तो आपको ये सारी डिटेल में चीजें तैयार करनी है। दूसरा, मेडिकल स्टाफ के साथ में जो दुर्व्यवहार हो रहा है उसके बारे में आपका क्या ओपिनियन है, अगर आप वहां के प्रशासनिक अधिकारी होते तो आप किस तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते, या अभी जो कोविड है उसने हमको ये एहसास करा दिया कि भारत का जो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है ये उतना अच्छा नहीं है। तो अगर आप किसी जिले में एज SDO आपका पोस्टिंग होता है या अधिकारी होता है तो सीमित संसाधनों में आप कैसे बेहतर काम करने की कोशिश करेंगे, या मेडिकल स्टाफ के साथ होने वाले दुर्व्यवहार को आप कैसे जो है रोकने की कोशिश करेंगे। तो ये सारे टॉपिक्स आपको कोविड के ऊपर तैयार करने हैं। ठीक है, और दूसरा कि बिहार गवर्नमेंट की मोस्टली सारी स्कीम्स आपको तैयार करके जानी है, जनसंख्या नियंत्रण बिल आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, किन किन राज्य मतलब किस राज्य में आया है, कौन सा राज्य इसको लागू करना चाह रहा है, क्यों लागू करना चाह रहा है, आपका क्या ओपिनियन है, इस टाइप से आप अपना दे दीजिएगा। ठीक है, और दूसरा, चाइना के साथ में इंडिया का रेगुलर कोई ना कोई लैंड डिस्प्यूट रहता है, तो LAC LOC वाला कंसेप्ट पूरा क्लियर करके जाइएगा। और डोकलाम विवाद अब पुराना हो चुका है, फिर भी इंडिया और चाइना के बीच में जहां जहां जिस जिस चीज को लेकर के विवाद है वो सारे आप तैयार कर लीजिएगा। और CAA NRC ये अब थोड़ा पुराना टॉपिक हो चुका है, बट फिर भी अपनी तरफ से तैयार करके जाइए, यू नेवर नो। अभी तो इलेक्शन नहीं है, फिर भी तब तक आते आते उत्तराखंड की स्थिति होगा। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि मतलब उत्तराखंड के CM ने क्यों रिजाइन किया, तो आपको मालूम होना चाहिए कि कोई भी जो लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर है 6 महीने तक बिना चुनाव जीते हुए उसका मेंबर नहीं रह सकता है, तो इस रीजन से उन्होंने रिजाइन करना पड़ा, क्योंकि वो चुनाव हुए नहीं, वो चयनित नहीं हो पाए। तो ये थोड़ा याद रखिएगा कि 6 महीने से ज्यादा नहीं रह सकता है कोई भी, इस वजह से कोई पॉलिटिकल रीजन नहीं था ये सारा। ठीक है, अब आप देखिए, अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं कि टॉपिक्स पे कैसे तैयारी करनी है, क्योंकि अभी मैं बहुत ज्यादा करंट अफेयर्स के टच में हूँ नहीं, जो टॉपिक्स मुझे लगे कि आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं वो मैंने आपके लिए तैयार कर लिए हैं। आप अगर आप कुछ पूछना चाहें, आप कुछ कहना चाह रहे हैं उस टॉपिक पे, तो बताइए, आई कुड हेल्प। किसी का अगर कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, और बाकी अगर करंट इश्यू से संबंधित है तो इंटरव्यू के टाइम तक हो सकता है कि हम लोग करंट अफेयर्स के जो इम्पोर्टेंट लिस्ट है वो आपके साथ साझा कर दें। एक दूसरे
जी, एक दूसरा अभी बिहार में जो चल रहा है कि बिहार के एक मंत्री इस्तीफे की बात कर रहे हैं करप्शन को लेकर के, तो करप्शन के ऊपर आप जी क्या क्वेश्चन है, मुझे क्लियरली नहीं पता चला अमित इनका। आप ये पूछना चाह रहे हैं कि 66वें मेंस के पहले इंटरव्यू हो जाए? नहीं, इसके बारे में तो मुझे ज्यादा आइडिया है नहीं, ये इसके तो बारे में आपको थोड़े बहुत दिन में, जब तक डेट शीट नहीं ये तो आएगी तब पॉलिसी, तक। हाँ जी, ये पॉलिसी डिसीजन है। देखिए, हाँ, तो मैं करप्शन वाले टॉपिक के बारे में आपको बोल रही थी कि जो बिहार में ये हुआ है, इसके बाद में वो आपसे ये पूछ सकते हैं कि करप्शन जो है वो एक महामारी हो चुका है, तो आपको लगता है कि करप्शन जो है वो प्रशासनिक वर्ग में बहुत ज्यादा व्याप्त है, और अगर आप ऑफिसर बन के जाते हैं, आपको लगता है कि आपके ऑफिस के नीचे का स्टाफ पूरा करप्शन में लिप्त है, तो आप इसके लिए क्या कदम उठाएंगे? या आप जिस जिले में पोस्टेड होते हैं, तो आपके विभाग के अंदर बहुत ज्यादा करप्शन चल रहा है, आप क्या क्या कदम उठा सकते हैं? तो थोड़ा होता है दूसरा कि एक मॉरल ग्राउंड पे आप कैसे उन लोगों को, मतलब करप्शन के अगेंस्ट में एक्ट करने के लिए प्रमोट कर सकते हैं, तो इस टाइप के ये सारे टॉपिक्स हैं। और वैसे हम लोग, जैसे अमित बोल रहे हैं, हम लोग ट्राई करेंगे ही कि एक करंट अफेयर्स के ऊपर एक जूम कर लेते हैं। अगर आप करंट अफेयर्स पे अभी कुछ पूछना चाहें, राफेल इशू जो अभी फ्रांस में इसके अगेंस्ट जो जी, इंक्वायरी स्टार्ट हुई है उसके रिगार्डिंग का क्वेश्चन है। अच्छा ठीक है। देखिए, वैसे मैंने अभी बहुत ज्यादा, क्योंकि अभी जॉब में है तो मेरे को मौका नहीं मिला है। हम लोग, आप एक काम कीजिएगा अमित, शायद आप लोग का एक व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है अमित, हाँ टेलीग्राम एजुकेशन ग्रुप है। निकेतन का हाँ टेलीग्राम ग्रुप है सिक्सटी टेलीग्राम फिफ्टीन ग्रुप जो। है। जी, तो देखिए आप ऐसा कीजिए कि टेलीग्राम ग्रुप में आप करंट अफेयर्स से रिलेटेड आपके सारे क्वेश्चंस पोस्ट कर दीजिए, ठीक है? मैं कोशिश करूंगी कि अगला सेशन जब भी होगा तो आपको एक, मतलब स्पेशली करंट अफेयर्स के जितने टॉपिक हैं उन पे एक अच्छे आंसर्स आपको प्रिपेयर करके दे सकूं। उसके लिए थोड़ा मुझे भी टाइम चाहिए होगा, मुझे अपनी जॉब से और नॉर्मल रूटीन से टाइम निकाल करके आप लोग के लिए तैयारी करना होगा, तो इट्स बेटर कि आप लोग जो है, मतलब वो टॉपिक्स डाल दीजिएगा ग्रुप में, अमित मुझे वो कन्वे कर देंगे आपके जो टॉपिक्स हैं, तो मैं उनके ऊपर तैयारी करके आप लोग को पूरा हेल्प करूंगी सारे टॉपिक्स पे। यो वेलकम, पूरा ट्राई करूंगी कि उनके अच्छे आंसर्स आपको दे सके। ठीक तो हम लोग सेशन के लास्ट सेशन पहुंच गए हैं। अगर किसी को कोई भी अगर कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। देखिए, आपका मेन टारगेट होना चाहिए जो चेयरमैन है वो आपसे खुश रहे, तो कभी भी कोई आंसर देते टाइम उनको बिल्कुल अवॉइड नहीं करना है। मतलब पहला जिन्होंने क्वेश्चन पूछा है उनसे कांटेक्ट बनाने के बाद में चेयरमैन सर को एक बार थोड़ा सा आई कांटेक्ट बना करके कन्विंस करने की कोशिश करनी है। जब आप आंसर दे तो अपनी खुद की भी गर्दन, अगर आप पॉजिटिव आंसर दे रहे तो हल्का अपना गर्दन हिला करके आप थोड़ा आंसर देने का कोशिश कीजिए। जैसे मेरे से एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जब उनको लगा कि मैं इस टाइप के टॉपिक्स के अच्छे आंसर्स दे रही हूँ सारे के, तो उन्होंने मेरे से एक क्वेश्चन पूछा था कि आप कितना दूर तक देख पाती हैं, तो मुझे तो समझ नहीं आया अचानक से, मतलब सारे मेरे से, आप मेरे से सिलेबस टाइप के क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मेरे टॉपिक के अचानक से ट्रिक क्वेश्चन पूछ लिया, तो मैंने उनको उस टाइम, मतलब एक बार को मुझे बहुत जोर से हंसी भी आई कि मैं इसका क्या जवाब दूं, बट मैंने उनको आंसर दिया कि जहां तक मेरी आंखों की क्षमता है और जहां तक कोई अवरोध नहीं है मैं वहां तक देख सकती हूँ। तो मतलब इसके ये ट्रिक क्वेश्चंस हैं, आप इसके कोई भी, इससे भी बेहतर आंसर निकाल सकते हैं, तो हड़बड़ाना नहीं है, जो आपको उस टाइम ठीक लगे ना, एक सदी हुई लैंग्वेज में आंसर दे दीजिए। और इस टाइप के क्वेश्चन मोस्टली चेयरमैन जो होते हैं वही पूछते हैं, तो हाँ, नहीं ऐसे कुछ नहीं है, चाहे वहां पे लेडी हो चाहे जेंट्स हो, आपको पहले ग्रीड जो है चेयरमैन को ही करना है, जो भी चेयरपर्सन है आपके बोर्ड के, आपको सबसे पहले उन्हीं से आई कांटेक्ट बनाना है, उन्हीं को थैंक यू बोलना है, और ये बात आप 100% ध्यान रखिएगा कि बाहर निकलते टाइम उनको पीठ नहीं दिखानी है, हल्का झुक करके पीछे जाइएगा और गेट के पास जाके फिर टर्न करिएगा, और टर्न करते टाइम उनको थैंक यू बोलिएगा, या आप चेयर से उठते टाइम थैंक यू बोल सकते हो और हैव अ गुड डे बोल करके रूम से बाहर आ जाइएगा। एंड बिलीव मी, आप उनके साथ थोड़ा कंफर्टेबल होते हैं तो वो लोग भी ये समझते हैं कि बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा है, कि इतने इंटेंस सिचुएशन है, इतना टेंशन वाला रूम है, उसमें भी अगर स्टूडेंट जो कैंडिडेट है, एस्पिरेंट है,
कंफर्टेबल फील कर रहा है और जाते में इतनी स्माइल के साथ में वो आपको ग्रीट करके गया है, तो वो लोग समझते हैं कि बच्चे का चाहे इसका नॉलेज अभी कम है बट ये सिचुएशन हैंडल कर लेगा अगर इसको कोई टफ सिचुएशन मिलती है फील्ड में। तो पीट इन द सेंस कि जब आप अपनी चेयर से उठते हैं तो एकदम उठते ही टर्न मत हो जाइए, जैसे अगर आप रूम से बाहर आ रहे हैं तो आप जब अंदर जाएंगे तो आपके जस्ट सामने इंटरव्यू बोर्ड होगा, उसके सामने आप बैठेंगे, मतलब आपकी जो पीठ होती है वो गेट की तरफ होती है, ठीक है। अगर आप उठ करके जाएंगे तो आप पहले कुर्सी से उठेंगे फिर आप टर्न होते हैं, तो जब आप टर्न होते हैं तो आपका पीठ इंटरव्यू बोर्ड की तरफ हो जाता है। ये गलती आपको नहीं करनी है, आपको एकदम से पूरा टर्न होकर के नहीं जाना। माइक ऑफ हो गई, ऑन करना। कितनी देर पहले म्यूट हुआ? नहीं, बस 15 सेकंड। अच्छा हाँ, तो वही बोल रही हूँ कि आप मतलब हल्का सा झुक के तिरछे होकर के पीछे आइए और उसके बाद में उनको ग्रेट करके पूरा पलट जाइए भले ही। मतलब इसको अगर इन जनरल भी हमसे सीनियर लोग अगर रूम में होते हैं तो इसको खराब ट्रेंड माना जाता है कि आप अपने से बड़े लोगों को पीठ दिखा करके आए, तो इसलिए बोल मतलब एक अच्छा इम्प्रेशन नहीं जाता है। तो आपको ये थोड़ा सा एटिकेट्स हैं जो ध्यान रखने होते हैं वहां से। चेयर को बहुत ज्यादा आवाज नहीं कराना है, बैठते टाइम में पैर नहीं हिलाना, हाथ नहीं हिलाना, बहुत स्माइल नहीं करना, आंखों के मूवमेंट आईब्रो के मूवमेंट बहुत ज्यादा नहीं होने चाहिए। देखिए इंटरव्यू इट्स ऑल, देखिए थोड़ा इसमें लक का खेल होता है, आपको कैसा बोर्ड मिलता है वो कैसे क्वेश्चन करते हैं, बट इट इंटरव्यू इज टोटली अबाउट योर ओन पर्सनैलिटी। आप में आप कितना अच्छे से उस सिचुएशन को हैंडल कर पाते हैं, क्योंकि देखिए मेरे से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए थे जो मुझे सही में नहीं आते थे और मैंने क्लियरली बोला सॉरी सर नहीं पता। इवन जब मैं गई तो मेरे से स्टार्टिंग के 3 क्वेश्चन जो पूछे गए वो मेरे को बिल्कुल नहीं हवा थी कि उन्होंने क्या पूछा, मतलब मेरे को बिल्कुल भी नहीं आता था, और अगर 2-3 क्वेश्चन और ऐसे आते तो डेफिनेटली मैं या कोई भी होता तो वो पैनिक कर जाता। तो आपको डरना नहीं है, सारे क्वेश्चन ऐसे नहीं आएंगे जो आपको ना आए। इवन आप अगर 3-4 क्वेश्चन आपको नहीं आते ना तो इंटरव्यू बोर्ड आपको रिलैक्स करने के लिए खुद इजी क्वेश्चंस दे देता है थोड़े से, ताकि आप कंफर्टेबल फील कर लें। बिहार का इंटरव्यू बोर्ड बहुत अच्छा है, आपको कोई शिकायत नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी, अगर आप थोड़ा भी ढंग से तैयार करके जाते हैं तो 80+ मार्क्स आपके कहीं नहीं गए, एंड 80+ इज वेरी गुड नंबर, मतलब बहुत अच्छा मार्जिन आपको दे देगा अच्छा रैंक लाने के लिए। 80+ मतलब आप आई विश आप 100+ लेकर के आए सभी लोग अच्छे से तैयारी करके। आप लोग मतलब माइक को हटा करके भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं मुझसे, मतलब अनम्यूट करके भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वो ज्यादा मेरे लिए बेटर रहेगा क्योंकि मैं पूरा क्वेश्चन पढ़ नहीं पा रही, आई एम नॉट वेरी फ्रेंडली विद जूम मीटिंग। मैडम इंग्लिश में अगर बात करते हैं तो कैसा रहेगा? इंग्लिश में अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, बट देखिए मोस्टली मैंने जितना देखा है अगर आप कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, अच्छा बहुत अच्छा इंप्रेशन जाएगा। अगर आपका मीडियम वो है और आप बहुत अच्छे से उनको जवाब दे पा रहे हैं तो इससे तो बेस्ट कुछ हो ही नहीं सकता कि आपका अपने मीडियम पे जो भी आपने सेलेक्ट किया है आपका कमांड है। और देखिए थोड़ा मतलब आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे अगर आपने कोई, क्योंकि देखिए एक इंप्रेशन ये भी जाता है कि एक सेकेंडरी लैंग्वेज है आपका, मदर टंग नहीं है बट आपने उस पर अच्छा कमांड किया है, तो कोई दिक्कत नहीं है इंग्लिश में। आप अगर आपको लगता है कि बोर्ड आपसे हिंदी में क्वेश्चन पूछ रहा है, जैसे सारे मेंबर्स नहीं इंग्लिश में आपको जवाब दे पाए, बोर्ड आपसे हिंदी में क्वेश्चन पूछ रहा है तो आप उसका हिंदी में जवाब दें तो वेल एंड गुड, बट आपको लग रहा है कि हिंदी में देते टाइम आप अटक जाएंगे या गड़बड़ कर देंगे तो आप अपनी लैंग्वेज को चूज कीजिए, वो लोग नहीं माइंड करते हैं। शुरू से इंग्लिश में ही फोकस करेंगे। देखिए अगर आपको लगता है कि आप इंग्लिश में दे सकते हैं तो क्यों नहीं करेंगे, अगर आपको पूरा कॉन्फिडेंस है कि वो कुछ भी पूछे मैं अच्छा दे सकता हूँ। और बीच में देखिए अगर आप अटकते भी हैं कहीं तो आप आराम से अपना मीडियम चेंज कर सकते हैं, वहां कोई कहने वाला नहीं आपको, उनका फाइनल पर्पस है। जी जी अगर फर्स्ट क्वेश्चन हिंदी में होगा तो उसको हम इंग्लिश में
जवाब देंगे या हिंदी में ही जवाब देंगे? देखिए मैं आपको यही कहूंगी कि अगर वो आपसे हिंदी में क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो आप उनसे परमिशन लेके इंग्लिश में जवाब दीजिएगा, क्योंकि वो हिंदी में पूछ रहे हैं, आप डायरेक्टली इंग्लिश में जवाब देंगे तो थोड़ा रूड हो जाता है, ठीक है? अगर वो बोले तो आप उनको सीधे सीधे बोलिएगा कि सर मैंने मेरा जो इंटरव्यू का, बहुत ही हम्बल तरीके से, कि सर एक रिक्वेस्ट है मेरा कि मेरा जो मीडियम है इंटरव्यू का वो इंग्लिश है और मैंने उसी के हिसाब से प्रिपरेशन किया है, तो मेरे लिए कंपैरेटिवली हिंदी में इस तरह जवाब देना टफ होगा, अगर आप अलाउ करते हैं तो मैं इंग्लिश में आंसर देना चाहूंगा, एंड बिलीव मी तुम्हारे एक नंबर में तुम्हारा ये रिक्वेस्ट बढ़ा देगा। थैंक यू मैडम। जितना हाँ आप जितना ग्राउंडेड होकर के, जितना उनसे हम्बल होकर के किसी चीज के लिए बोलेंगे ना, वो लोग उतना खुश होते हैं, उनको चाहिए कि एकदम बच्चा रेस्पेक्ट दे रहा है हम लोग को, दे आर वेरी गुड पीपल, आप अच्छे से उनको रेस्पेक्ट देंगे आपको बहुत अच्छे नंबर देंगे वो, चाहे कोई भी मीडियम हो आपका। और कोई क्वेश्चन? तो लगभग हमने सारी जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे उनको कवर कर लिए हैं। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? हाँ आ रही है, अमित मुझ को आ रही है तुम्हारी आवाज। तो मुझे लगता है कि आज हम लोगों ने लगभग सारे टॉपिक एक बार कवर कर लिए हैं, और जब दूसरे सेशन जो क्वेश्चन आंसर का हमारा सेशन होगा जिसमें करंट टॉपिक हम लोग कवर करेंगे, तो उसमें अगर कोई किसी के नए अगर क्वेश्चन जनरेट होंगे अगर किसी के मन में, तो उसका भी समाधान करने की कोशिश करेंगे उस सेशन में हम लोग। और आप कोशिश कीजिएगा आप लोग के जो भी करंट अफेयर्स आपके से रिलेटेड क्वेश्चन आपके माइंड में आते हैं आप उनको ग्रुप में डाल ही दीजिएगा टेलीग्राम वाले में, ताकि हम लोग उसके ऊपर एक बेस्ट पॉसिबल अप्रोच क्या हो सकती है आंसर की वो तैयार कर लेंगे। तो वंदना मैम आपने बच्चों के लिए समय निकाला, इसके लिए आपको एजुकेशन निकेतन की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू अमित। चलिए आप सभी को ऑल द बेस्ट, आप अच्छे से हाँ बोलिए बोलिए। नहीं कम्प्लीट कीजिए मैम। आप सभी को ऑल दी बेस्ट, अच्छे से तैयारी कीजिए, अभी तो एजुकेशन निकेतन और हम लोग आपसे जुड़े हुए ही हैं, इंटरव्यू के आपकी पूरी जर्नी में हम लोग साथ रहेंगे, एंड आई विश कि आप लोग बहुत अच्छा करें अपने इंटरव्यू में, टॉपर्स बन के बाहर आए, जितने ज्यादा लोग सेलेक्ट होंगे इस ग्रुप में से उतना ज्यादा मुझे खुशी होगी। तो सेशन को समाप्त करते हैं, ऑल द बेस्ट सबको इंटरव्यू के लिए।